Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट मीन्स नियो. इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूनिट वाइज, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, आप लाइन वाइज देखा करो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. उसमें आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन बताए हैं. सो पोल साइंस 6 सेमेस्टर के एग्जाम में आपको टोटल 9 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. अगर आपने ये 9 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स. इसके अलावा आपको और कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिखने वाले हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड इशूज ऑफ नियो. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. सिंस अर्ली 1970s, द इशू ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हैज़ बीन द फ्रंटल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्विंग द डेवलपिंग कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड ऑन वन साइड एंड द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर फर्स्ट टू वर्ल्ड्स ऑन द अदर साइड. अब 1970s से अगर हम बात करें, जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं. अब ये इशू सामने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई. वर्ल्ड वॉर 2 जो ख़त्म हुई 1945 में, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. कोल्ड वॉर किसके बीच में स्टार्ट हुआ, दो पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में, एक तरफ USA और दूसरी तरफ USSR. जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च किए गए ताकि जितनी भी वीक कंट्रीज हैं या तो वो USA की तरफ जाएं या फिर वो USSR को ज्वाइन करें, ताकि ये दोनों कंट्रीज़ अपने आप को पावरफुल रख सकें. तो इसीलिए 1970s तक आते आते जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ. अब इसमें क्या था कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, यानी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, जिनको क्लोनलाइज्ड किया गया था और उनको फ्री किया गया, तो जैसे ही वो फ्री हुए उनके पास क्या ऑप्शन था कि वो या तो USA को ज्वाइन करें या USSR को. बट उनको बहुत अच्छे से क्लियरली ये पता था कि अगर वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाएगा, वो अपने बेनिफिट के लिए उस कंट्री को यूज़ करेंगे. तो इसीलिए जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट का सोचा कि हम ना ही USA को ज्वाइन करेंगे ना ही USSR को ज्वाइन करेंगे, तो हम जो है थर्ड वर्ल्ड कहलाएंगे, यानी तीसरा वर्ल्ड, जिसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, वीक कंट्रीज़ आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं. और जो दो वर्ल्ड हैं वो कौन होंगे, एक तरफ आपका USA और दूसरी तरफ आपका USSR. डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड मेड प्रसिस्टेंट डिमांड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जिसको हम थर्ड वर्ल्ड बोल रहे हैं, इन्होंने प्रसिस्टेंटली ये डिमांड किया है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर किसी की ग्रोथ और प्रोग्रेस हो रही है, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा. तो जिसके लिए उन्होंने डिमांड रखी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की. वाइल द साउथ अगेन एंड अगेन मेक्स अ डिमांड फॉर न्यू एंड द नॉर्थ रिजिस्ट इट. अब यहां पर अगर हम वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, द अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, लोअर पार्ट इज कॉल्ड द साउथ. अब यहां पर जितने भी रिच और पावरफुल कंट्रीज हैं वो सारी की सारी नॉर्थ पार्ट में आती हैं. अगर आप एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, कैनेडा, ये जितनी भी, जापान, चाइना, ये सारी नॉर्थ कंट्रीज़ हैं. और अगर आप साउथ कंट्रीज़ की बात करो, वो सारी की सारी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनको क्लोनलाइज्ड किया गया था. उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वीक है नॉर्थ कंट्रीज़ के कंपैरिजन में. तो इसीलिए बार बार साउथ कंट्रीज़ ने ये डिमांड किया कि न्यू आना चाहिए, यानी कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर हमें लेके आना चाहिए. बट जो नॉर्थ कंट्रीज़ है उन्होंने इस चीज़ को रेजिस्ट किया. अब वो रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है. उनको क्या बेनिफिट है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी ओपन करते हैं, उन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं, वहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वहाँ का चीप लेबर यूज़ करते हैं, और जो भी बेनिफिट होता है वो अपनी जो मेन कंट्री है उसको सबमिट करते हैं. तो इसीलिए जो जितनी भी नॉर्थ कंट्रीज़ है वो चाहते हैं कि सिस्टम चेंज ना हो, और जो साउथ कंट्रीज़ है वो चाहती हैं कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आए. द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ रिगार्ड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट,
अंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अब थर्ड वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है उन सबका ये कहना है कि जब तक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं आएगा इन कंट्रीज की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होगी. जो भी इन कंट्रीज की प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, स्कार्सिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी होना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है इन कंट्रीज़ का, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है तो हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लाने की ज़रूरत है. फर्स्ट आपने हेडिंग डालनी है मीनिंग. न्यू स्टैंड्स फॉर मेकिंग इंटरनेशनल सिस्टम फेयरर, जस्ट एंड इक्विटेबल बाय अडॉप्टिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड बाय एक्सेप्टिंग द ड्यू राइट्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का क्या मतलब है कि एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जिसके अंदर एक फेयर सिस्टम है, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा है, एक जस्ट सिस्टम है जिसके अंदर हर किसी को इंसाफ मिल रहा है, इक्विटेबल है. अगर कोई रिसोर्सेज मिल भी रहे हैं हाई सीज में, अंटार्कटिका में, तो वहाँ पर वो इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, हर कंट्री को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. कोई डोमिनेट कंट्रीज या रिच कंट्रीज वहाँ पर जाकर अपना जो है राइट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं. तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है ताकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉयट ना करें, उनके साथ मिलकर काम करें, उनकी भी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व आउट करने में उनकी मदद करें. तो ये है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. इट स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो न्यू का मेन मकसद क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहाँ पर सब कुछ मॉडर्नाइज है, उन कंट्रीज के बीच में, और जो अंडर डेवलप्ड है जहां पर इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, जहां पर टेररिज्म है, पॉवर्टी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, तो इन दो कंट्रीज के बीच का जो गैप है ये कम से कम हो. क्योंकि जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पर हम जो अंडर डेवलप्ड और वीक कंट्रीज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर किसी एक कंट्री को पावरफुल बनना है तो आप वीक कंट्रीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल कॉमन है, जैसे कि अभी कोविड आया था या फिर कोई एनवायरमेंटल इशू, तो उसमें आपको वीक कंट्रीज की मदद लेनी ही पड़ेगी. उनके सपोर्ट के बिना आप नहीं बन सकते पावरफुल. तो इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कम से कम गैप हो, सो दैट कल को अगर कोई टेक्नोलॉजी आए तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी एप्लीकेबल हो सके. सीक्स टू एंड द एग्जिस्टिंग इम्बैलेंसेस एंड इनइक्वालिटीज इन द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड. तो नियो आने से जो भी इम्बैलेंसेस और इनइक्वालिटीज होंगी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वो कम की जा सकती हैं. The NEO aims at restructuring existing institutions and establishing new organization which will govern the flow of trade, technology and capital resources for the benefit of the whole world in general and the developing countries in particular. तो NEO आने से क्या होगा कि जितनी भी हमारी international organizations work कर रही हैं उसको हम दोबारा से restructure करेंगे, उनके लिए दोबारा से rules regulations बनाएंगे. जो भी अभी rules regulation चल रहे हैं हो सकता है उनमें कुछ loopholes हो, गलतियां हो, जिसका फायदा उठा के डेवलप्ड कंट्रीज जो है फायदा उठा रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज का उन्हें एक्सप्लॉयट कर रही हैं. तो वो सारे सिस्टम को दोबारा से ठीक करना ताकि फ्लो ऑफ ट्रेड जो है उसका बेनिफिट दोनों कंट्रीज को मिले, टेक्नोलॉजी जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक भी पहुंचे, और जो भी रिसोर्सेज हैं वो जुडिशियली यूज किए जा सके, उनको कोई भी एक्सप्लॉयट ना करें. तो ये जो बेनिफिट है पूरी दुनिया को पहुंचना चाहिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको अभी इकोनॉमिक पर्पज से अभी डेवलप होने की ज्यादा जरूरत. नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NEO. फर्स्ट पॉइंट है NEO इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट. तो NEO का मेन प्रिंसिपल क्या है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट, यानी कि सारे स्टेट्स, जितनी भी कंट्रीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में उसे स्टेट्स कहा जाता है, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, उनके पास सोवरन पावर होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हर किसी की टेरिटरी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई भी कंट्री दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर ना करे पॉलिटिकल अफेयर्स में. सेकेंड आपका पॉइंट है NEO इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है अनदर प्रिंसिपल ऑफ NEO इज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज इन सॉल्विंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लाइक हाई टैक्सेस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है,
पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और इफ़ेक्टिवली रोल प्ले करें ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व आउट किया जा सके। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, ईच स्टेट हैज़ फुल परमानेंट सोवरेनिटी ओवर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर एक स्टेट का एक परमानेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि अपनी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर उनका डिसीजन होना चाहिए कि उनको किसके साथ जो है ट्रेड करना है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से यूज़ करने हैं, जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उनको अपनी कंट्री को गवर्न किस तरीके से करना है ये उनका खुद का सोवरेन राइट होना चाहिए। पॉइंट है, एवरी स्टेट हैज़ द राइट टू अडॉप्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम दैट इट सीम्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। हर स्टेट के पास ये राइट होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्हें अपना इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को गवर्न करना है वो कर सकते हैं, जैसे उनको ठीक लगता है कि उनकी कंट्री डेवलप होगी। कोई और पावरफुल कंट्री या डेवलप्ड कंट्री उन्हें फोर्स नहीं कर सकती है इस चीज़ में। नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट है, द पीपल ऑफ टेरिटरीज अंडर कॉलोनियल एंड रेशियल डोमिनेशन एंड फॉरेन ऑक्यूपेशन हैज़ अ राइट टू अचीव देयर लिबरेशन एंड टू रिगेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिन भी टेरिटरीज को क्लोनलाइज्ड किया गया था या फिर रेशियल डोमिनेशन उन लोगों ने सहा है, भेदभाव सहा है, डिस्क्रिमिनेशन सहा है, उनको फ्री होने का, लिबरेट होने का उनके पास ये राइट है कि कोई भी उन्हें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता और दोबारा से जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी टेरिटरी है, उनको उसका राइट मिलना चाहिए। नाउ सेवन्थ पॉइंट, नियो इज एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्री ऑफ एनी पोलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन। तो नियो का क्या मकसद रहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की एक्टिविटीज में, उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें फंडिंग देनी चाहिए ताकि जितनी भी होल इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इक्वली ग्रो कर सके और फ्री ऑफ एनी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशंस। इसी भी तरीके से अगर कोई कंट्री जो है उन्हें पॉलिटिकली डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, मिलिट्रली उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, तो होल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्हें मदद कर सकती है। नेक्स्ट आपका एट पॉइंट है, ऑल स्टेट्स शुड पुट एन एंड टू द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स। जितने भी स्टेट्स हैं उनको वेस्टेज कम से कम करनी चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें जुडिशियली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका नाइन्थ पॉइंट है, डेवलपिंग कंट्रीज शुड यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें अपने रिसोर्सेज अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए यूज करने चाहिए, ना कि किसी कंट्री को डोमिनेट करने के लिए, ना ही मिलिट्री पर्पज के लिए। नेक्स्ट आपका टेंथ पॉइंट है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नियो इज गिवन टू द डेवलपिंग कंट्रीज असेस टू द अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जितने भी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां तक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो पहुंचनी चाहिए और इसमें डेवलप्ड कंट्रीज उनकी मदद कर सकती हैं, वहां पर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लॉन्च की जा सकती हैं, वहां पर जो है उन्हें फंड्स दिए जा सकते हैं ताकि वो अपनी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मॉडर्नाइजेशन कर सके। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है, मेजर थीम्स एंड इशूज ऑफ नियो। फर्स्ट आपका पॉइंट है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशन। मेजर थीम ऑफ नियो इज द अर्जेंट नीड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशन ऑन अ जस्ट एंड रीजनेबल बेसिक। तो मेन सबसे बड़ा इशू क्या है नियो का आज के टाइम में, कि किस तरीके से जो आज इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है उसको रीस्ट्रक्चर यानी दोबारा से ठीक किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम ट्रेंड देखें तो यही देखने को मिल रहा है कि जो रिच कंट्रीज होती हैं वो एक्सप्लॉयट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को अपने बेनिफिट के लिए। समहाउ हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्कीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हैं जो वर्क कर रही हैं उनके लिए, बट मेजरली उनका बेनिफिट जो होता है वो किसके पास ज़्यादा जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास। तो किस तरीके से इसको दोबारा से इकोनॉमिक रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, मेजर इशू है। नियो इज बेसिकली अ डिमांड फॉर मोर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो नियो इसी चीज़ की डिमांड करता है कि एफिशिएंट और इक्विटेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की। वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटरडिपेंडेंट है, कोई एक कंट्री आइसोलेट रहकर अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकती। आज के टाइम में जितनी भी कंट्रीज है वो इंटरडिपेंडेंट है अपनी कंट्री के नीड्स और सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए जिसमें हर किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, किसी को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। द एडवोकेट्स ऑफ नियो इम्फेसिस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशंस। तो जितने भी नियो के एडवोकेट्स हैं जो इसके फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं उसको दोबारा से बनाने की जरूरत है ताकि जो न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं वो
किसके फेवर में ज़्यादा वर्क करें, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में, और जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके वर्क करें। थर्ड पॉइंट, एंड ऑफ प्रोटेक्शनलिज्म इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो स्टैंड फॉर एलिमिनेटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड एंड पॉलिसीज विच इज़ डिजाइंड बाई द डेवलप्ड कंट्रीज टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ऑर्डर। सो प्रोटेक्शनलिज्म एक तरीके की आप पॉलिसी समझ लो या रूल्स रेगुलेशन समझ लो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, यानी रिच और पावरफुल कंट्रीज़ ने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इंटरनेशनल मोनेट्री फंड, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है किसके द्वारा बनाए गए हैं, रिच एंड पावरफुल कंट्रीज़ द्वारा। इनमें फंडिंग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, पावरफुल कंट्रीज़। इनमें शेयर किसका ज़्यादा होता है, पावरफुल कंट्रीज़ का। तो रूल रेगुलेशंस भी उनके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए कि ट्रेड करके उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो यानी कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा उसमें प्रोटेक्शनलिज्म की जो ये पॉलिसी है उसको ख़त्म करके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जो किसके फेवर में जाएंगे, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कॉमोडिटी प्रोड्यूसर्स। The developing countries want an international code of rules for protecting their ट्रेड इंटरेस्ट। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो चाहती हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल कोड होना चाहिए जिसके अंदर जस्टिस पे बेस्ड रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए ताकि वो अपना ट्रेड जो है फ्रीली कर सकें। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू रेज एंड स्टेबलाइज द प्राइसेज ऑफ रॉ मटीरियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन अ मेजर थीम इन द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे उसमें जो रॉ मटीरियल, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जो अपने रिसोर्सेज सारे यूज कर चुके, अब उन्हें रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से। तो वो क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज वो लेते हैं इन कंट्रीज से वो बहुत ही चीप प्राइसेस पे लेते हैं। जैसे एक टाइम पे ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया था और यहाँ से वो रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते दामों पे लेके जाते थे, उसे मैन्युफैक्चर करते थे, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करते थे और देन वो मैन्युफैक्चर गुड्स लाकर उन्हीं कंट्रीज़ में हाई प्राइसेस पे बेचते थे। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने की बात की गई है नियो में कि जो प्राइसेस होते हैं ना रॉ मटेरियल के, नेचुरल रिसोर्सेज के, उसको प्राइसेस को हाई कर उसको स्टेबल कर दिया जाए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको नुकसान ना हो। आपका सिक्स्थ पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। अ मेजर थीम ऑफ नियो इज सेल्फ रिलायंस, यानी कि जितनी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो आत्मनिर्भर बने, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना हो अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए और नीड्स के लिए। द डेवलपिंग कंट्रीज़ वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट एंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे वॉन्ट अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ रिलायंट होना चाहती हैं, तो इसीलिए वो बात कर रहे हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, यानी ऐसा ऑर्डर के अंदर कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से बनाए जाएं ताकि डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें फोर्स ना करें उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए और वो अपनी कंट्री को खुद गवर्न कर सकें अपने कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमी हैज़ अ नेगेटिव एंड डैमेजिंग इम्पैक्ट एज इट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ओपन की जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लैंड मिल जाती है, चीप लेबर मिल जाती है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो जिसकी वजह से जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का गैप इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ MNCs ओपन करके और रिच होती जा रही हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो MNC की वजह से वीक और अंडर डेवलप्ड होती जा रही हैं और ज़्यादा, क्योंकि MNC जो भी ओपन होगी कंट्री के अंदर वो सारा का सारा बेनिफिट जो है अपनी मेन कंट्री को सेंड करती रहेगी और उस कंट्री की जो बेसिक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी सारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो कंपीट ही नहीं कर पाएंगी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से। तो इसीलिए जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है इसके लिए भी दोबारा से रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर में ताकि कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है किसी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म ना करे। आपका एट पॉइंट है मिनी इनकम टारगेट। द नियो इन्वॉल्व्स अ डिमांड फॉर क्रिएटिंग अ मटेरियल मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ मिनिमम इनकम फॉर दोज हु आर फेसिंग हार्श इकोनॉमिक रियलिटीज। सो नियो
लोगों की मेन डिमांड क्या है कि यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटलीस्ट होना चाहिए अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का. वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट होनी चाहिए. वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं मदद करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स ओपन करने में. उन्हें लोन्स जो हैं वो दिए जाएँ. सो यहाँ पर जो इनकम है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि पर्सन अपना लाइवलीहुड कंटिन्यू रख सके और जो हार्श इकोनॉमिक रियलिटीज़ होती हैं उसको फेस करने में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है डेवलपिंग्स की मदद करें. तो इसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो रख सकते हैं. जैसे कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वहाँ पर कोई फूड स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को पॉवर्टी यानी गरीबी से बाहर लेके आ सकती हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार सकती हैं. एंड में कंक्लूजन 4 to 5 lines, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना. बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.